मैंने ये रियलाइज करा कि ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम है और बहुत पेशेंस चाहिए आपको इसके लिए, तो इसीलिए मैंने एक स्पेशल हलवाई को बुलाया है इसको करने के लिए। और एवरीवन, वेलकम बैक टू मन किड्स लिटिल वर्ल्ड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा, मैंने बताया था कि मैं घर जा रही हूँ दिवाली के लिए, लेकिन अंकित नहीं जा रहे हैं, तो अंकित और केविन यहीं पे हैं दोनों। आई मेक श्योर कि ये दोनों यहाँ पे ठीक से रहे, इनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि व्लॉग भी बना लेते और आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि मैं बेसन के लड्डू बना के जाऊंगी अंकित के लिए, और मैंने पहले कभी नहीं बनाया है, फर्स्ट टाइम ही बनाऊंगी। यूट्यूब से देख देख के उसका प्रोसेस जाना है, तो अभी बनाऊंगी तो आपके साथ भी शेयर करूंगी कि वो कैसे बने। और एक और चीज है जो मैं सोच रही हूँ कि अंकित के लिए बनाऊंगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे पहले अभी कैवी का सामान भी लेने जाना है मार्केट, और सब्जी भी लेने जानी है कि सब्जी वगैरह सब रख के जाऊंगी, कैवी का सामान रख के जाऊंगी। तो आपका क्या कहना है मिस्टर पारिक? अब आप जा रहे हो, खुशी ही इतनी है, क्या कहूं। ये तो ज्यादा हो गया भाई। तो आज अंधेरा, अभी बाहर जाएंगे सब्जी वब्जी लेने, तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा भी हो सकता है, तो क्वालिटी में थोड़ा अंधेरापन आएगा, जो उसको थोड़ा बर्दाश्त कर लेना। मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि फाइनली आई थिंक 2-3 महीने बाद ना मैं फाइनली बुलेट पे जाऊंगी। वाह वाह वाह। आज केविन ने भी नई नई की है, पता हाँ, है? आज केविन भी नहाया, मस्त हो गए मस्त हमारे महाराज, बिल्कुल एकदम मस्त हो गया केविन। आपके शॉट में ओ ये तो चलो चले हम। तो ये है खरड़ की सब्जी मंडी। शाम के टाइम कभी भी मंडी में सब्जी लेने नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत बची हुई सब्जी मिलती है। मिर्ची ली आपने एक्स्ट्रा? मिर्ची उसमें है ना, घर में पड़ी है, तो भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले लेते ना इसके साथ, नहीं मिलती है, दे देते हैं भाई। चलो चलो, टमाटर है 60 रुपए किलो, आलू 25 रुपए किलो, नींबू 80 रुपए किलो, प्याज 50 रुपए किलो, जो मैंने लिया नहीं है। तो इस टाइम पे यहाँ ट्रैफिक तो मतलब इतनी हो जाती है ना। क्या क्या लिया? जिंस, डेंटास्टिक और 350। मैं सोच रही हूँ उसके लिए बिस्किट लें क्या? मेरे को एक बात बताओ, वहाँ से भी इतने की पड़ते हैं? नहीं हाँ, ये जो बॉन का पैकेट है ना, वो 150 का देता है। हाँ, इन्होंने 100 का दिया है। ये 35, एक मिनट रुको मैं आपको बताती हूँ, ये 35 का एक पैकेट है। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने 30 का दिया है, तो 30 के 4 पैकेट्स कितने के हुए? 120। इसकी MRP 160 है। तो जो दूसरी शॉप से हम लेते हैं ना, वो 160 का ही देता है, इन्होंने 130 का दिया है। और जो ये वाले पैकेट्स है ना, ये वाले ये 35 के देते हैं, पर इन्होंने 30 का दिया है, तो ये ठीक है। हाँ, और ये वाली जो बॉन्स है ना, ये 150 के लेके आए थे हम 6, पर इन्होंने 100 में दिया है। तो भाई अगर पप्पीज के डोगी के सामान चाहिए आपको, तो ये यहाँ पे शर्मा हॉस्पिटल है खरड़ में, उसके जस्ट सामने यहाँ पर अग्रवाल मेडिकल स्टोर है, यहीं से लें। नहीं हाँ, सस्ता देते हैं। हाँ भाई, क्या क्या तैयारी हो रही है फिर? लहसुन की चटनी। अंकित का ऐसा सीन है कि अगर कुछ नहीं है ना सब्जी वब्जी खाने के लिए, तो अंकित अंकित आ गई पंजाबी। मेरे नाना नानी बोलते हैं अंकित, अंकित लहसुन की चटनी और नमकीन के साथ रोटी खा लेते हैं बहुत मजे से। एक्चुअली अंकित की ये फरमाइश थी कि जाने से पहले तो मेरे को ना वो खिला जाना, आलू टमाटर और पूड़ी। तो मैंने कहा ठीक है, कि मैं कल निकल रही हूँ, तो फिर इसीलिए कल सुबह टाइम मिले ना मिले। ये आलू टमाटर की सब्जी बढ़िया बनी भाई, खुशबू भी मस्त आ रही है। हलवा बना रहे हो क्या? नहीं, बेसन और घी में पका रहा हूं। अभी जब बनेंगे ना तब बात करना, ठीक है? अभी बात मत करना, ठीक है? डू नॉट अंडरएस्टिमेट मी। मैंने ये रियलाइज करा कि ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम है और बहुत पेशेंस चाहिए आपको इसके लिए, तो इसीलिए मैंने एक स्पेशल हलवाई को बुलाया है इसको करने के लिए। और ये हलवाई का तरीका है, बना दोगे? बनाने बनाने नहीं, बस मैंने इसको ऐसे स्टर करने के लिए अंकित को बुलाया, क्योंकि इसको कंटिन्यूअसली स्टर करना है ताकि नीचे जल ना जाए। उसको ठंडा कर रहे हो? तो भाई ये ठंडी हो गई है ना, ये चीनी का बुरा किया आपने मिक्सी में? Thank you.
बेसन के लड्डू बन गए हैं और बनने जा रहा है। मांस ने जो स्टार्टिंग में बोला था कि बाद में बताऊंगी, वो बाद में कुछ नहीं हुई, टाइम पास करते सस्पेंस देखे, वो मांस बनाने जा रही है चिवड़ा। आप लोगों ने वैसे भी थंबनेल में देख ही लिया था। तेल गर्म हो गया, अब इसमें जाएंगे चिवड़े। तो आज पंकज नए लुक में स्मार्ट ही, आपने देखा होगा ये लंबे लंबे बाल थे, आज बिल्कुल मस्त। क्या ये वही पुरानी? देखो शर्मा रहा है, शर्मा रहा है। अब इसमें डालेंगे चीनी। तो इसमें येलो कलर करने के लिए क्या डाला था मानसी आपने? ये बोलो ना, आप रिकॉर्ड करना भूल गए। इसमें ऑयल डाला था थोड़ा सा और हल्दी डाल दी, हल्दी पक गई तो अब इसमें ये पोहे डाल दिए हैं। चिवड़े हो गए हैं, पोहे नहीं रहे, अब ये चिवड़े हो गए हैं। मुझे क्या, मैं भी थका हूँ यार, हेल्प तो करवाई है ना मैंने यार। हाँ, हेल्प कराई है। और एक चीज और बनानी रह गई है, वो मैं सुबह उठ के बनाऊंगी, वो है लहसुन की चटनी। हाँ यार, लहसुन की चटनी रह गई यार, इसीलिए हम इस व्लॉग को एंड कर रहे हैं। वैसे थकान नहीं भी होती तब भी कर देते, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।